इफ यू डोंट अग्री फॉर अरेंज मैरिज व्हाट इंडियन पेरेंट्स डू इज दैट ना दे जस्ट स्टार्ट आपको रियल लाइफ एग्जांपल देकर डराने लग जाते हैं. एक तो सबकी फैमिली में एक तो कोई 36 साल के पिंटू भैया होते हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, तो पहले वो बहुत चूज ही हो रहे थे, अब उनको कोई चूज नहीं कर रहा है, तो सबको झूठ बोलते कि वो IAS की तैयारी कर रहे हैं और हमेशा एक नंबर से रह जाते हैं, हमेशा एक नंबर से रह जाते हैं. मतलब कल को कट ऑफ एक नंबर होगा तभी वो एक नंबर से रहेंगे वो. और समाज भी ना पिंटू भैया का जीना हराम कर देता है. लाइक पिंटू भैया की लाइफ में कुछ भी गलत होता है लोग उसको शादी से कनेक्ट कर देते हैं. लाइक पिंटू भैया ने मुझे ईमेल किया, PFA लिखकर वो फाइल अटैच करना भूल गए और मम्मी चालू हो गई, शादी नहीं हुई ना, इनको क्या पता अटैचमेंट क्या होता है. एंड यू नो इंडियन मॉम्स अपने बच्चों को पकड़ के जबरदस्ती खाना खिलाती है. नो पीपल से इट इज आउट ऑफ लव. आई थिंक द मेन रीजन इंडियन मॉम्स बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती खाना इसलिए खिलाती है कि कहीं ये आइटम पड़े पड़े खराब नहीं हो जाए. वो माँ की ममता नहीं, वो माँ का वेस्ट मैनेजमेंट होता है. वो मेरे साथ कितनी बार हो, मम्मी भूख लगी, एक काम करिए घेवर खा ले, दो दिन में सड़ने ही वाला है. एक काम करो दादाजी की दवाइयाँ भी दे दो यार, वो भी एक्सपायर हो रही है. दादाजी को दे दो, वो भी एक्सपायर, उन्हीं को खा लेता हूँ यार, खत्म करो. मेरे को याद है एक बार मेरा मम्मी से झगड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे फंगस वाली मठरी दे दी यार, मैंने भी खा ली, मेरे को लगा नान कटाई है. सेम है. फिर एक इंडियन मॉम्स करती है फ्रिज के अंदर स्पेस मैनेजमेंट. ऊपर होता है फ्रीजर, नीचे होता है वेजिटेबल बॉक्स, लेकिन जो बीच में 3-4 खाचे होते हैं वो इतनी सी स्पेस में जो वो बर्तनों से जिमनास्टिक्स करवाती है वहाँ पे. पहले एक बड़ा सा दूध का भगोना होता है, उसके ऊपर एक प्याली से बची हुई सब्जी होती है, फिर एक कटोरी जिसमें गीला आटा होता है, उसमें बेबी कटोरी जिसमें हरी चटनी होती है. वैसे लग रहा बर्तनों से सतोलिया खिल रही थी उधर. और इतना फाइन बैलेंस किया होता है मम्मी ने कि गलती से आपका एक भी हाथ गलत लग जाए तो वो पूरा पिरामिड हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह कोलैप्स करता है, धड़ धड़ धड़. और जैसे ही एक बर्तन गिरता नहीं, एकदम से मम्मी की चिल्लाने की आवाज आती है, तोड़ दे, एक काम कर सारे बर्तन तोड़ दे तू. और फिर एग्जैजरेट, आज बर्तन तोड़ेगा, कल टेबल तोड़ेगा, परसों रिश्ते तोड़ेगा. अरे 4 बार बागबान देखी है. और आपने देखा इंडियन फादर्स ना घर में बिल्कुल डॉन की तरह रहते हैं कि मेरा अड्डा है. तो घर में पापा का बहुत ज्यादा डोमिनेंस रहता है. लाइक हमारे घर में पापा का इतना ज्यादा डोमिनेंस था कि जब पापा का डंप शरारत में टर्न आता था तो पापा को बोलना अलाउड था. फिर एक इंडियन फादर शो ऑफ करते हैं, रोज सुबह ना 2 घंटे बैठ के स्टॉक मार्केट न्यूज देखते हैं और इतनी इंटेंसिटी से देखते हैं कि अभी खरीदने वाले शेयर होंगे, अभी बस मतलब टीवी वाले से ले लेंगे अंदर से. 20 साल हो गए, 20 साल हमारे घर में चल रहा है, पापा ने आज तक शेयर तो छोड़ो म्यूचुअल फंड भी नहीं खरीदा है. और अगर आप बोल दो कि नहीं मेरे को इन्वेस्ट करना है, मैं शेयर बाजार में लगाना चाहता हूँ, कितना डरा देते हैं आपको यार. एक तो सबकी फैमिली वो एक ही स्टोरी सुनाई जाती है, कोई तो एक दूर के अंकल थे जिनके पास पहले अनाप शनाप पैसा था, 4-5 फैक्ट्रियां थी, फिर एक दिन उन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगा दिया और फिर वो डूब गए, लुट गए, तबाह हो गए. और इनके जनरेशन में तबाही भी नेक्स्ट लेवल होती थी, मतलब 5 फैक्ट्रियां नीलाम हो गई, 5 मतलब आंटी के गहने बिक गए, आंटी समेत. नेक्स्ट लेवल, आज खाने के पैसे नहीं है, लंच में च्युइंगम खाते हैं. फिर आपने देखा इंडियन फादर्स होते हैं, 99% ऑफ इंडियन फादर्स रात को बहुत जोर जोर से खराटे पड़ता है, बहुत जोर जोर से. और घर में तो पापा के खराटे टॉलरेट कर लेते हो यार, अग्रीमेंट पापा के नाम पे बना हुआ है. लेकिन प्रॉब्लम आती है पापा के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो यार मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ बॉम्बे से टू दिल्ली, 2 घंटे की फ्लाइट जर्नी है, राइट. अब पापा वहाँ बैठ के वहीं फ्लाइट में सो के जोर जोर से खराटे भर रहे हैं और अब सारे पैसेंजर्स मेरी तरफ देख रहे हैं, एयर होस्टेस मेरी तरफ देख रही है, पायलट ने भी मेरी तरफ देखा एक बार. और सबकी आंखों में एक होप और एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपने पापा के अगेंस्ट कुछ एक्शन लूंगा अभी पब्लिकली. तो आई तो जस्ट डिसओन माय डैड इन पब्लिक. मैं नहीं जानता यार, मतलब अरे ऐसे टिंडर पे मिले थे यार. हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. सो नाउ आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट. सो वी एट ह्यूमरिस्टली योर्स टीम
हम लोग कुछ नया ट्राई करना चाह रहे थे, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे, विच इज नॉट स्टैंड अप. विल लॉन्च अ मिनी सीरीज कॉल्ड फ्लैटमेट्स, विच हैज बीन डायरेक्टेड एंड रिटन बाय तरुण सिंघल एंड पुनीत पात्रा, ये दोनों है उसमें. मिनी सीरीज का नाम है फ्लैटमेट्स, ठीक है. 4 से 5 मिनट के छोटे छोटे से एपिसोड्स हैं, ठीक है. काफी सिचुएशन ह्यूमर है, फनी है. दो लोगों की कहानी है, टंडन बाटला. 6 एपिसोड्स हैं उनकी लाइफ में, बहुत एपिसोड्स हैं, पर हमने 6 इंसिडेंट खाए हैं जो फनी फनी से हैं. बिंज वॉच करो, मजा आएगा. सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड 20th of December अगेन नॉट अ स्टैंड अप शो फ्लैटमेट्स रिलीज होगा. और प्लीज अगर आपको स्टैंड अप देखने का इतना ही शौक है तो मेरे दिसंबर के शोज के टिकट्स खरीद लो, मैंने डाला हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सही है.